पटना में एक मिठाई की दुकान में एक के बाद एक तीन सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, दुकानदार की मौत हो गई। दुकानदार ने सुबह जब शटर खोला तभी सिलेंडर ब्लास्ट होने लगा, एक के बाद एक तीन सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। ये मामला पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके का है, पटेल नगर का है, जहां पर मिठाई दुकान में धमाका हुआ है। एक के बाद एक तीन LPG सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, जिस वजह से आग में झुलसकर दुकानदार की मौत हो गई। वहीं दो अन्य लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। मिठाई दुकानदार बताया जाता है कि सुबह करीब 5 बजे खाना बनाने के लिए दुकानदार उपेंद्र प्रसाद ने जैसे ही दुकान का शटर खोला सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट की चपेट में आने से उपेंद्र और उसके एक सहयोगी झुलस गए। दोनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में ICICI के पास उपेंद्र प्रसाद की मिठाई की दुकान है। दुकान के पास ही सेंट अल्बर्ट स्कूल भी है। हालांकि समय रहते दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आग आसपास की दुकान और मकानों को भी चपेट में ले सकती थी। वहीं विस्फोट के कारण उस बिल्डिंग के पिलर में बड़ी दरार आ गई है। पीड़ित दुकान संचालक के परिजनों के मुताबिक लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस ने एक शख्स की मौत की पुष्टि की है। क्या कहना है पुलिस का सुनिए। 21/11/2024 सुबह 3:55 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि पटेल नगर रोड नंबर 13 स्थित मिठाई के दुकान में आग लगी है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु फायर ब्रिगेड टीम को सूचित करते हुए गश्ती गाड़ी को अविलंब घटनास्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया तथा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुंचा। जख्मी की पहचान उपेंद्र प्रसाद उम्र 50 वर्ष के रूप में की गई है, जिसका समुचित इलाज हेतु थाने के सरकारी वाहन से PMCH अस्पताल भेजा, जहां बेहतर इलाज हेतु इन्हें मेदांता अस्पताल कंकड़बाग भेज दिया गया, जहां इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। यह घटना गैस सिलेंडर फट जाने की वजह से कारित हुई है। सुना आपने, पुलिस के मुताबिक शास्त्री नगर थाना अंतर्गत पटेल नगर रोड नंबर 13 में मिठाई की दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड और थाना के कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं इलाज के क्रम में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज़।